नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप भी ठीक होंगे, आपके प्लांट्स भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको आज आम के प्लांट्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि हमारे नर्सरी में बहुत से आम के प्लांट्स और तरह तरह के आम के प्लांट्स हैं, उसका मैं आपको नाम बताऊँगा और कैसे उसको सुरक्षित रखना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं लाइक एंड सब्सक्राइब आपको इसलिए करने बोलता कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन जाएगा और उस वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको आम के इतने प्लांट्स हैं मेरे नर्सरी में, मैं आपको एक एक करके सबका नाम बताऊँगा, डिटेल बताऊँगा कि दोस्तों इस आम को पौधे में क्या क्या खाद डालना है, क्या क्या टिप्स देना है, इसके बारे में भी मैं आपके बात शेयर करूँगा। ऐसे तो आम के सैकड़ों प्रजातियाँ हों, मगर हमने कुछ खास प्रजाति के पौधे को अपने नर्सरी में रखा है। दोस्तों, मानसून आने वाला है दोस्तों, इसलिए मैं आपको उस आम के पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप अपने घर के ज़मीन में भी लगाइए, गमले में भी लगाइए। गमले में लगा कर छत में आप ढेर सारे आम इस प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको गमले में लगाने वाले आम के प्रजाति के बारे में बता रहा हूँ। उसके प्रजाति का नाम थाईलैंड मैंगो ट्री है दोस्तों, यह बहुत कम समय में ही फलता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा सदाबहार मैंगो ट्री है, यह साल में दो बार फलता है और छोटे छोटे गमले में भी लगता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत एवं स्वादिष्ट आम होता है। दोस्तों, यह साल में दो बार फलता है और गमले में कम से कम आपके 30 से 35 एक बार फलता है। दोस्तों, इसके बाद ये नए किस्म का आम है और निका और अंबिका, ये दो पौधे को आप अपने गमले में लगाइए, पोट में लगाइए। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, इसमें बहुत सा आम फलते हैं। दोस्तों, यह आम भी साल में दो बार आपको फल देगा और इसके प्लांट्स ज़्यादा हाइट नहीं होते हैं, 6 से 7 फीट हाइट होते हैं दोस्तों, और ये गमले में आसानी से लग जाते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स है, इसके फल बहुत ही रसीले गुद्देदार होते हैं। इसे आप ज़रूर लगाएं घर के छत पे, गमले में लगाएं। पेड़ का प्राइस 250 रुपया है, यह बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और साल में दो बार आपको आम देगा। तो आप इस सीज़न में लगाइए, आपको 6 महीने के बाद ज़रूर आम मिलेगा। इसको लगाना आसान है और इसका केयर देख रेख भी करना बहुत आसान है। उसके बाद देखिए यह हिम सागर मैंगो ट्री है, यह मैंगो ट्री हम लोगों ने ग्राफ्टिंग करके बनाया हुआ है और इसे आप 1 साल के बाद आसानी से लगा कर इससे ढेर सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यह बिहार का राजा आम लंगड़ा है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, मेरे पास जितने भी प्लांट है सब ग्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट है, इसके आप 1 साल के बाद इसमें लगाकर आप ढेर सारे फल इससे प्राप्त कर सकते हैं। आम्रपाली मैंगो ट्री भी बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे भी आप आसानी से लगा सकते हैं अपने घर के बगीचे में। दोस्तों, आम देखने में बहुत ही सुंदर होता है। उसके बाद दोस्तों दशहरी आम आता है, या इसके भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट मीठा एवं रसीला गुद्दा होता है, या खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों, हमने कैरी बैग में प्लांट्स लगाया था आम का, यह भी सदाबहार आम है, या साल में आपको दो बार आम फलता है इसमें। इसके बाद ये छोटा सा हमने बम्बैया आम का पेड़ लगाया है, जो कि साफ देख रहे हैं कितने सुंदर से प्लांट्स हमारा ग्रो किया हुआ है। इसे हमने कैरी बैग में लगाया हुआ है, इसे आप घर के छत में आराम से रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यह भी हम लोगों ने गुलाब केसर मैंगो ट्री, जो कि यूपी से मंगाया हुआ है, उत्तर प्रदेश में इस आम की प्रजाति का बहुत ही डिमांड है और खाने में ये भी बहुत खूबसूरत एवं स्वादिष्ट एवं मीठा लगता है। इसके बाद यह बंगाल का मालदा आम है, यह आम रसीला गुद्देदार होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे आप अपने ज़रूर बगीचे में लगाएं। इसके आम का प्रजाति में आपको साल भर के बाद जो भी ग्राफ्टिंग कर मेरे पास प्लांट्स उसको देखिए, साल भर के बाद दोस्तों यह सुंदरिया आम है, यह भी आम बिहार का प्रसिद्ध आम है। इस प्लांट्स में हमने 1 साल के बाद इतने मंजर आए हैं इस छोटे से प्लांट्स में कि आपको मैं दिखा रहा। उसके बाद मेरे पास बहुत से प्लांट्स हैं जिसे हमने अच्छी तरह से ग्रो करके आपको दिखाया, जिसका नाम है बनाना है दोस्तों, ये रेड पाइनएप्पल है। उसके बाद केसर भोग है,
केसर भोग भी बिहार में प्रसिद्ध है। इसका स्वाद बहुत ही गजब लगता है, खाने में बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, इन सब प्लांट्स को बरसात का सीजन आ रहा है, इसलिए आप इसको केयर करना बहुत ही आसान, और पानी अच्छी तरह से आप दीजिए सुबह शाम, या बारिश के सीजन में लगाइए, या प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा और एक साल के बाद दोस्तों आपको फल खाने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यह केसर भोग मैंगो ट्री है, जो कि यह भी बहुत प्रसिद्ध आम होता है। इसके रसीले गुद्दे होते हैं, यह भी बहुत स्वादिष्ट एवं खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। यह बिहार का लंगड़ा आम है, इसे मालदा आम कहते हैं। यह भी आम बहुत ही गुद्दा रसीलादार होता है। और आप दोस्तों, जितने भी प्लांट्स मेरे पास है, सब ग्राफ्टिंग के हुआ प्लांट्स है। आपको एक साल के बाद इतने सारे फल देंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। मेरे पास फल वाला भी प्लांट्स है, वो भी बहुत से आए हैं। यह हमने नए प्रजाति का उत्तर प्रदेश से मंगाया हुआ बनाना मैंगो ट्री है। इस ट्री को भी दोस्तों ग्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट्स है, यह भी आपको एक साल के बाद लगाने के बाद फल दे देगा। तो दोस्तों, आम का सीजन आने वाला ख़त्म हो गया, इसलिए आप मानसून जब आ रहा तो अपने बगीचे में ज़रूर आम के लिए, ये विभिन्न प्रकार के आम के प्रजाति है, जो कि सभी आम अच्छी तरह से है होते हैं, इसके लिए आप इस मैंगो ट्री को आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए और एक साल के बाद अच्छे से आम खाइए। दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। दोस्तों, मेरे पास 10 से 15 प्रजाति जो कि बहुत ही अच्छे आम है, उसका मैंने आपको विवरण दिया एवं बताया। दोस्तों, ये सब प्लांट्स बहुत ही सस्ते हैं एवं टिकाऊ है और आपको अच्छे से ग्रो करने वाले प्लांट्स है। मेरे पास गमले में लगने वाले दो टाइप के प्लांट्स हैं, इसका नाम सदाबहार और थाईलैंड है। इसे आप अपने घर में गमले में ज़रूर लगाइए और साल में दो बार आम इससे प्राप्त करिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए पेड़ की इन्फॉर्मेशन के साथ, नए पेड़ की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा, आप भी स्वस्थ रहें।